दोस्तों YouTube की सबसे बड़ी कमेंट के हॉल में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपको बहुत सारे कमेंट के बॉक्सेस दिखाने वाला हूं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। Let's unbox this. I'm so excited. पर मैं भी आपको कमेंट लिखा हुआ मिल जाता है। इनका टैगलाइन नेवर साई नेवर सॉरी, जस्ट लुक एट दिस। अच्छा, जूते के अलावा भी भाई बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आपको एक एक्स्ट्रा लेस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं, थोड़े और कागजात, बिल, और बिल में भाई एक्चुअली बटर मसाला से लेकर सूप तक सारी खाने पीने की चीजें डाली गई है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ ऑल्सो यू लेफ्ट यूर शू एट द वेडिंग। वेडिंग में खाने के पैसे, ऑलराइट। एक कैरिंग पाउच भी आपको देखने को मिलता है विद द ब्रांडिंग। कीचेन भी भाई डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बेसिकली इसमें आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। पूरी बॉडी आपको लेदर की देखने को मिल जाएगी, सिंथेटिक लेदर इसमें यूज हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि जितने भी ब्लैक वाले पोर्शंस है ना, वो सारा ग्लॉसी लेदर आपको देखने को मिलता है। और ये ग्लॉसीनेस ना इसमें वो टक्सीडो वाली फीलिंग ऐड करता है। इस जूते का नाम है भाई टक्सीडो, और कमेंट के हर जूते के ना अपने अलग अलग नाम होते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। फ्रंट में आपको वेंटिलेशन के लिए होल देखने को मिल जाएंगे, व्हाइट कलर का आपको लेस मिलता है विद द एक्स्ट्रा लेस, अगर आपको याद हो तो, स्टार्टिंग में जो हमने देखा था। साइड में आपको ये कमेंट का लोगो देखने को मिलता है। आई डोंट नो इसका कोई नाम है या नहीं, जैसे नाइकी का शूज होता है। दोनों तरफ आपको सेम डिजाइनिंग देखने को मिलती है। स्टिचिंग्स की डिटेलिंग बहुत ज्यादा अच्छे से की गई है। बड़ा सा आपको टंग देखने को मिल जाएगा, वेल पैडेड है, और ऊपर में आपको कॉमेट की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। बीच में आपको टंग होल्डर भी देखने को मिलता है। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग में कोई कमी नहीं है। इनसोल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और अंदर में भी आपको कॉमेट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अंदर तक भी हाथ डालोगे ना, कहीं भी आपको वो रफनेस, वो अनफिनिश्ड जैसा एरिया नहीं फील होगा। वैसे अगर कोई गुजराती देख रहा भाई, हैप्पी न्यू ईयर। आउटर सोल की बात करें तो अगेन यहाँ पर डुअल कलर का यूज किया गया है, पूरा रबर का आउटर सोल है। साइड में आपको कॉमेट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको हार्ड रबर ग्रिप मिलता है विद द डिटेलिंग्स, जो कि किसी भी स्नीकर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नीचे में यहाँ पर आपको कॉमेट लिखा हुआ मिल जाएगा, और गौर से देखोगे ऊपर एक सोलर सिस्टम बनाया गया है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बैक की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आपको दोनों जूतों में कॉमेट की ब्रांडिंग तो मिलती है, लेकिन ये हल्का हल्का ना इम्बोज्ड यानी टेक्सचर जैसा ना फील होता है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, अगर आप इसे हटाओगे या ऊपर उठाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा इनका टैगलाइन। एक जूते में है नेवर साई और दूसरे जूते में है नेवर सॉरी। ओवरऑल पहनने में कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि हम आगे करेंगे जूतों में। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में कॉमेट का। ये एक नॉर्मल सा बॉक्स है, ये आपको नॉर्मल सा बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आपको ग्रे, नीचे में थोड़ा सा ग्रीन, खूबसूरत लगता है। कॉमेट की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। फटाफट निकालते हैं, और इसमें भी आपको वही फ्री की गुडीज देखने को मिलेगी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। फ्री का माल किसको अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो हमने जूते खरीद लिए, गोलगप्पे खाने जाओ, थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा तीखा दे दो। सेम आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगा, थैंक यू कार्ड, थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन, एक मस्त सा कैरिंग पाउच विद द ब्रांडिंग। और इसमें जो लेस मिलता है वो भाई अलग ही डिजाइन का लेस है। साथ ही सारे लेस के टिप्स में भी ना आपको कॉमेट की ब्रांडिंग मिलेगी। तो छोटी छोटी डिटेल्स पे ना अच्छे से ध्यान दिया गया है। बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर का स्नीकर है। हालांकि अगर इसके डिजाइन एस्थेटिक्स देखोगे ना, तो बिल्कुल ही सिमिलर है जैसा हमने पिछले वाला जूता देखा था। कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर डिफरेंस है, और इसका नाम है भाई लोज डार्क। इसकी भी पूरी बॉडी देखो लेदर से बनाई गई है, मल्टीपल लेदर पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे एंड वाले लेस होल पे, टंग पे कॉमेट की जो ब्रांडिंग है उसके नीचे की स्टिचिंग से, उस पे आपको वो कलर देखने को मिलता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो पूरा लेदर है ना, वो मैट लेदर है। ब्लैक कलर का वो लेस देखने को मिल जाएगा। टंग की पैडिंग से लेकर साइड साइड की पैडिंग और इनसोल की पैडिंग, या सिंगल वर्ड में कहे कंफर्ट के मामले में ना, कॉमेट के सारे जूते बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यूजुअली जितने भी स्नीकर्स होते हैं ना, उनको कंफर्टेबल बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और यहीं पर ना कॉमेट ये कमाल कर रही है। फ्रंट में वेंटिलेशन के लिए होल देखने को मिल जाएंगे, साइड में वही इनका आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो पैच है वो हल्का ग्रेइश टाइप में है, जो कि ब्लैक ऊपर ना बहुत अच्छे से निकल रहा है। पीछे की तरफ अगेन आपको वो कॉमेट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ग्रे पैच के ऊपर है, और इसको भी उठाओगे तो नेवर से नेवर सॉरी दोनों जूते में आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ब्राउन कलर का आउटर सोल देखने को मिलता है, रबर का है, और बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट लेकर आ रहा है ओवरऑल जूते में। वही सोलर सिस्टम, वही कॉमेट की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करने वाला हूँ, एंड तक देखो, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉमिक्स का बॉक्स आ गया, हमारे पूरा मसाला ही गिर गया सब्जी का। ऑलराइट, सेम आपको दो कार्ड देखने को मिल जाएगा, कैरिंग केस मिल जाएगा। इसका लेस जो है भाई, ये और एक डिफरेंट कलर में है। अंदर में आपको एक और स्टिकर भी देखने को मिल जाएगा, ये खूबसूरत सा व्हाइट स्नीकर है। ऑलराइट, इसकी भी डिजाइनिंग या ओवरऑल बिल्ड एकदम ही सेम है जैसा दूसरे जूते में था। बस डिफरेंस क्या है, पूरा जूता आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, लेस इसमें आपको येलो कलर के देखने को मिलेंगे। कॉमेट की टंग में ब्रांडिंग से लेकर बैक में ब्रांडिंग तक, या उसको उठाकर अंदर जो देखोगे इसका टैग लाइन, वो सारा भी आपको येलो कलर का देखने को मिलेगा। अंदर की जो लाइनिंग है ना, हल्की सी मिंट ब्लू टाइप की है,
बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कंफर्ट में आपको इस जूते में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नीचे की तरफ आपको हल्की सी यही कलर की डिटेलिंग देखने को मिलेगी। आगे अगर इसके लोगो के साइड में देखोगे तो चूंकि ये मल्टीपल पैचेस पे वर्क किया गया है, नीचे वाला जो पैच है ना वो आपको ब्लू कलर का देखने को मिलता है। ओवरऑल जूता बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब बात करें अगर इसके लेस की, अब चूंकि ये खूबसूरत सा एक व्हाइट स्नीकर है ना, इसमें बहुत ज्यादा ना मिनिमल कैरेक्टर एक होता है। ऐसे जूते स्टाइलिश तो बहुत होते हैं लेकिन ना स्टैंड आउट नहीं कर पाते। ये लोग स्नीकर्स इसलिए पहनते हैं ना ताकि मार्केट में एकदम भाई स्टैंड आउट कर पाए। उन जगहों पर ऐसे लेसेस काम में आते हैं। तो इस खूबसूरत से केमो प्रिंट वाले लेस को आप डाल दोगे ना, एक नया कैरेक्टर बन जाएगा आपके स्नीकर का और खूबसूरत भी लगेगा। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। चूंकि ये व्हाइट स्नीकर है आपको पता है भाई कितना वर्सटाइल होता है। सेम यहाँ पर आपको बहुत सारे खूबसूरत से गिफ्ट देखने को मिल जाएंगे और इसमें आपको ब्लैक लेस मिलता है। साथ ही जिन लोगों को लगने वाला भाई कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड, सीक्रेटली स्पॉन्सर्ड, आपको बता दूं दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कॉमेट। ना उन्होंने जूता हमें दिया है, आपको जो मैं बोलूंगा ना वो एकदम एक्यूरेट बोलूंगा, तो एंड तक ओपिनियन सुन के जाना। इसकी भी डिजाइनिंग आपको सेम अदर स्नीकर्स जैसी देखने को मिलेगी, कलर ब्लॉकिंग डिजाइन देखने को मिलेगा। लेकिन जो कलर्स यूज हुए हैं वो है बेज, ब्राउन एंड व्हाइट। अगेन लेदर की क्वालिटी, ओवरऑल मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा अदर सा मटेरियल देखने को मिलेगा, स्वेड लेदर, जो कि इसके बैक पोर्शन में कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। ऑल्सो स्वेड के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कोई बहुत ज्यादा ना ऐसे टेक्सचर ही होता है। इसमें टेक्सचर है लेकिन बहुत हल्का सा टेक्सचर है। बाकी सेम आपको बैक में भी कॉमेट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसमें भी सेम आपको दोनों में सीक्रेट्स आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा जो कि इनका टैग लाइन है। कंफर्ट वम्फर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लुक वाइज बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ग्रिप वाइज बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसके ओवरऑल लेदर में ना जैसे ब्लैक वाला कैसे मैट मैट था, ये थोड़ा ना सेमी मैट जैसा है। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। साथ ही छोटी छोटी जो डिटेलिंग या बहुत जरूरी चीजें होती है ना किसी भी स्नीकर्स में, जैसे आउटर सोल को अच्छे से स्टिच करना, वो यहाँ पर पूरी फिनिशिंग में दिख रही है। हर स्टिचिंग्स, हर लेदर का कट, हर होल्स, हर एरिया पे ना वो आपको केयरनेस दिखेगा कि वो कितने प्यार से स्नीकर को डिजाइन करवा रहे हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट जूता आ गया हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे भाई ओपिनियंस की, तो ध्यान से सुनना। इसमें भी आपको फ्री स्टफ्स देखने को मिलेंगे। और भाई 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 फटाफट निकालते हैं। और अगर जूते को देखें यहाँ पर भी आपको कलर ब्लॉकिंग डिजाइन तो देखने को मिलेगी लेकिन मल्टीपल कलर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स काउंट द कलर्स। व्हाइट तो आपको मिलता ही है, साथ ही टील ब्लू है, ब्लैक है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लैक में आपको लैवेंडर कलर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता, लिटरली इतने सारे कलर्स होने के बाद भी चटकीला भटकीला जैसा ना आपको फील नहीं होता। अगेन वो मटेरियल की क्वालिटी, वो फिनिशिंग सारी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेस की क्वालिटी से लेकर टंग की क्वालिटी, अच्छी बात क्या है कि टंग भी बहुत ज्यादा चौड़े चौड़े हैं, तो पहनने के बाद ना आपको वो ग्रिपनेस, वो परफेक्टनेस ना फील होगा आपके पैरों में। इनसोल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप देख लो। अभी कुछ चीजें ना मुझे कॉमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी लगी, कुछ छोटी छोटी चीजें ना जिनको वो और भी ध्यान में दे सकते हैं। फर्स्टली कंफर्टेबल बहुत ज्यादा स्नीकर, लिटरली आपको पैरों में पहनने में मजा आएगा। दूसरी बात, इंडियन फीट्स आर लिटिल ब्रॉड, यानी थोड़े से चौड़े होते हैं, उस हिसाब से ना इनके टो बॉक्सेस भी ना थोड़े चौड़े चौड़े से हैं। आपके पैरों को ना ऐसे मशक्कत करके थोड़ा सा भैया थोड़ा सा इधर हटिए भैया वो करने की जरूरत नहीं, उंगलियों में मारा मारी नहीं होगी। तीसरी बात, जो कलर कॉम्बिनेशन, जो परफेक्शन, जो डिजाइन एलिमेंट्स इनके पास है ना, वो आपको ना नाइकी वाइकी जैसे बड़े बड़े ब्रांड में देखने को मिलेंगे। छोटी सी बस मुझे प्रॉब्लम क्या लगी, अगर आपको पैन इंडिया को कवर करना है ना, थोड़ा सा और प्राइस ना डाउन किया जा सकता था और लोग ना फिर कॉमेट पहन पाएंगे। दूसरी बात, और ये सिर्फ मेरे साथ इस टक्सीडो में हुआ, इसके लेदर में ना बहुत जल्दी ना क्रीचेस पड़ रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम।